में जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस तरीके का अगर मैं करना चाहती हूं किसी भी लॉयर के चैम्बर का, का तो वो आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं तो उसका जो इंटीरियर है वो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है तो चलिए स्टेप बाई स्टेप हम लोग शुरू करते हैं राइट right? मैं आपको यहाँ पे अपने प्लान के अंदर लेके आई हूं जिसके अंदर मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है यहां पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्लान किया है सी दिस वन कुछ इस तरीके का हमारे पास में ये चैम्बर है राइट right? और अगर इस चैम्बर को अगर मैं मेजरमेंट करूं तो कुछ इस तरीके का निकलेगा ओके okay. अब ये सब कुछ अगर हमारे पास में मेजरमेंट है तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट जो प्लानिंग है वो कर देती हूं तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूं अपना न्यू प्रोजेक्ट इन टेम्पलेट इसमें हम यूनिट सेट कर लेते हैं 10 में। यहां पे मुझे ज्यादा लेवल्स की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे केवल दो लेवल्स की जरूरत है क्योंकि हम इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ज्यादा लेवल्स की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे टेन फीट के ऊपर अपना दूसरा लेवल ले लेती हूं यहाँ पे मैं प्लानिंग करती हूँ चलती मैं मैं के ऊपर में में ही मैं 9 inch की wall create करती जो भी वहां पे office में आपका साइज ले रखा हो वॉल का वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो फोर पॉइंट फाइव इंच की है नाइन इंच मैंने यहां से बनाना शुरू किया हम इनके बीच में डायमेंशनिंग कर लेते हैं नोट सेंटर लाइन फेस टू फेस यहां पे मुझे जरूरत है आठ फीट ग्यारह इंच की यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी वन फीट सिक्स इंचिस की सॉरी थ्री फीट फोर पॉइंट फाइव इंचेस नाउ अब मुझे यहां से लेके यहां तक की जो जरूरत पड़ने वाली है वो हमें होगी ओके okay. अब मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया है तो मैं इनको डिलीट कर देती हूं नाउ जस्ट सेलेक्ट दिस एंड क्रिएट सिमिलर एंड देन मैंने इसको यहां बनाया I just this element and then it. Now, similarly, अब जिस तरीके से मैंने इनको एडजस्ट किया बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको भी एडजस्ट कर देती हूं इसका जो साइज है वो हमें गिवन है यहाँ पे ट्वेल्व फीट इलेवन इंचेस। दिस इज अ चैम्बर विच वी हैव टू डिजाइन ओके अभी आप यहाँ पे अगर मेजरमेंट करके देखेंगे तो सारी चीज एक्यूरेट है जो कि मैंने वहां पे पुट की थी जस्ट लाइक दिस अब यहां पे क्या किया है मैंने अब मेरे को यहां पे अंदर करना है जैसा कि इन इमेजेस से आपको नजर आ रहा है कि ये जो कॉर्नर था इसके अंदर मैंने एक कंप्लीट अपना एक कबर्ड जो है वो सेट किया है तो यहाँ पे मैंने एक कबर्ड सेट किया है एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारी एक विंडो आती है जैसा कि यहाँ पे है इस विंडो का साइज यहाँ पे आपको गिवन है कि विंडो की जो विड्थ है वो आपकी फोर फीट है विंडो की जो हाइट है वो चार फीट नौ इंच है गो टू आर्किटेक्चर विंडो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको किस तरीके से मतलब आपको चैम्बर मिलता है तो आप वो चूज कर सकते हैं इट एंड इन ये देखिए अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे अपना एक कबर्ड जो है वो सेट करना है यहाँ पे हमें अपने जो स्मॉल जो हाइट के ऊपर हमारी कबर्ड बनाए गए हैं वो सेट करना है एंड अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट है जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस तरीके से इस वाली वॉल के ऊपर भी आपके कवर्स आए हुए हैं यहाँ पे आपकी सीनरीज लगी हुई है ये आपका गेट है ठीक है अब अगर उस तरीके से आपको करना है जस्ट गो टू लेवल नंबर वन एंड यहाँ पे आपका डोर आया हुआ है आई जस्ट पुट द डोर है थ्री डी आप इसको रियलिस्टिक भी करके देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ये बन गया है राइट right? अब ये आपके पास में एक रूम है जिसके अंदर आपको डिजाइन करने का है अब मैं यहां पे फ्लोर अप्लाई कर देती हूं आप इसका साइज का लगाना चाहते हो इसके साइज का लगाइए बट मैं इंटीरियर डिजाइन कर रही हूँ तो डिजाइन मैटर बिकॉज मुझे व्यू जो है वो अंदर का ही लेना है तो बाहर कितना एक्सटेंडेड है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हमें अगर यहाँ पे एक तरीके से उसका कबर्ड बनाना है तो मैं इसको अचेच कर देती हूँ हाइड कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए राइट एंड देन उसके बाद में मुझे यहां बनाना है तो मैं इसी प्लेन को सेट कर देती हूं एंड देन मैं यहाँ पे जेनरिक अप्लाई करती हूं देखिए अगर किसी को जेनरिक मॉडल नहीं आते हैं तो प्रॉपर तरीके से सीख लीजिएगा बिकॉज इन्हीं के थ्रू रेविट के अंदर हम कुछ भी इंपॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकते हैं सो आई सजेस्ट दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड जेनरिक मॉडल्स और अगर आपको इन डेप्थ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हम इन डिटेल रेविड आर्किटेक्चर में आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे सी यहाँ पे देखिएगा प्लेन सेट हो गया है अभी हमें क्या करना है हमें सिर्फ फ्रंट प्लेन करना है एंड देन गो टू एक्सक्लूजन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा And then यहाँ पे आप चाहे तो इसको हिडन लाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि कहां से लेके तक आपको बनाना है राइट right? अब मैंने यहाँ पे चेक कर दिया चेक कर दिया है तो देखो ये यह यहाँ पे बन भी गया होगा देखिए इस तरीके से बन गया राइट right? अब इसको लेवल वन के ऊपर जाके मैं सेट कर देती हूँ कि इसकी जो डेप्थ होगी वो इसके बिल्कुल इसके अलाइंड होगी ठीक है अभी ये हो गई है तो फिर उसके बाद मैं वापस थ्रीडी में जाती हूँ और यहाँ पे इस वाले प्लेन को सेट करके मैं इसके जो डोर्स हैं द प्लेन पिक द प्लेन एंड सेलेक्ट द फ्रंट फेस ऑफ द एक्सट्रूजन नाउ मुझे इसमें सिर्फ दो ही पैनल बनाने के हैं जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है इसमें नीचे एक सिंगल पैनल है ऊपर एक सिंगल पैनल है इस तरीके से अगर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे बना सकती हूं तो आई गेस कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूं एंड देन पिक के थ्रू लाइक मैंने यहाँ पे इंचेस का ज्यादा ऑफसेट हो गया आई थिंक पॉइंट फाइव इंच एंड देन गो एंड देन राइट एंड देन फिर उसके बाद में हमें कोई एक्सट्रूजन लगाने की जरूरत नहीं है हम इसको जीरो कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका पार्टीशन कर देते हैं एंड देन सिमिलर टू द सेंटर ये देखिए ओके okay. अब सेंटर के थ्रू करने के बाद में वापस ऑफसेट कमांड कीजिएगा एंड देन मैं यहाँ पे इन दो लाइंस को डिलीट कर देती हूं एंड देन इनको स्प्लिट करवा के ट्रिम करवा लेते हैं ये लीजिए इसी तरीके से इसको भी स्प्लिट करवा के ट्रिम करवा देते हैं ताकि ये सारे पैनल्स अलग अलग हो जाएं। आप चाहें तो इनका गैप कम भी कर सकते हैं एज पर योर नीड ये आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे कस्टमाइजेशन एज पर क्लाइंट नीड के हिसाब से यहां पे किया जा सकता है ये देखिए एंड देन मैं इसकी आउटर लाइंस को सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूं इट गो टू लेवल नंबर वन सेट द थिकनेस ये लीजिए आप इसको यहां जाके देखेंगे तो आपको प्रॉपर पैनल यहाँ पे नजर आ रहे हैं अब इनका अगर मटेरियल डालना है तो मटेरियल तो आपका अंदर से ही डलता है तो अभी तो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो मॉडलिंग आई गेस की मैंने यहाँ पे कर दी है बस इसके हैंडल्स लगाने तो हैंडल्स फैमिली में जाके लगाएंगे अभी मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मॉडलिंग कर देती हूँ अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें करने का है यहाँ पे ये जो आपको कबर्स नजर आ रहे हैं ये मेरे को, को बनाने का है ठीक है उससे पहले अगर मेरे पास में टेबल है तो मैं वो टेबल यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ जैसे भी मुझे टेबल चाहिए वो टेबल मैं यहाँ पे रख देती हूँ देखिए टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं एज पर योर नीड हम लोग टेबल बना सकते हैं तो मैं क्या करती हूँ मैं टेबल पिक करके लेके आती हूँ इंसर्ट करवा देती हूँ यहाँ पे इंसर्ट के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा फैमिली एंड देन गो टू पे आपने टेबल को सेव किया है जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है तो वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप अगर यहाँ पे टेबल और फर्नीचर अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम लोग वीडियोज जरूर अपलोड करेंगे और इफ यहाँ पे आपको इन डेप्थ ऐसे ही फर्नीचर की लाइब्रेरीज और खुद से पैरामेट्रिक मॉडलिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं सो so, uh, मैंने यहाँ पे कॉन्ट इस पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल हमारी आ गई है मैं स्पेस बार के जरिए इसको रोटेट कर लेती हूँ सी दस वन ओके और मैंने uh, इसको प्लेस कर दिया है आई थिंक मैंने बिल्कुल करेक्ट प्लेस किया है एकदम करेक्ट प्लेस हुई है थ्री में जाके देख लेते हैं कैसे हुई है ना अब यहाँ पे टेबल प्लेस हो गई है तो जहां पे मेरी टेबल प्लेस हुई है उसके अप साइड में मुझे यहाँ पे अपना जो कबर्ड है वो बनाने का जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस तरीके का ये इसके अपोजिट वाल है दिस वन ओके तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से मैं यहाँ से जो इसका डोर है उसकी स्ट्रेटनेस के अंदर यहाँ पे बना देती हूँ तो मैं इसको पहले तो एच करती हूँ देन इसको एच करती हूँ एंड देन मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले लेती हूँ यहाँ पे मुझे बनाना है ओके okay? और यहाँ पे मैं इसको हिडन कर लेती हूँ और अब मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं मॉडल इन प्लेस एंड देन गो टू जेनरिक मॉडल्स एंड देन ओके गो टू एक्सट्रूजन एंड देन सेट द प्लेन कि आपको बनाना किधर है तो मैं पिकअप प्लेन कर लेती हूँ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया पिकअप प्लेन के जरिए तो मुझे प्लेन मिल गया है और अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेटनेस में ही ले रही हूँ जहां तक मेरी ये टेबल आती है एग्जैक्ट वहीं तक की स्ट्रेटनेस में मैं वर्क कर रही हूँ आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको नीड है उस हिसाब से मैं कुछ इस तरीके से ले रही हूं और मैं यहाँ पे जो पैनल रख रही हूँ वो वन फीट सिक्स इंच का रख रही हूं राइट आप चाहे तो ज्यादा का भी रख सकते हैं आई थिंक मुझे यहाँ पे एक फीट नौ इंच का रखना चाहिए हा चेक भी कर लेते हैं कि हमारी हाइट कितनी बची है? है तो आई थिंक कम से कम सिक्स फीट का यहाँ पे गैप होना चाहिए मुझे यहाँ पे नीड है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टैंड करता है तो उसका सर यहां ना लगे तो हम क्या करते हैं इसको वन फीट Six inches का कर देते हैं है ना? तो मोर देन जो स्पेस जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है okay. अब यहां पे मैंने ये सेट कर दिया है इसको मैं यहां से ट्रिम कर लेती हूँ और यहां पे मैं बना देती हूं इसको अब इसमें मुझे चेक किया है मैंने लेवल वन पे गई हूं मैं इज इस। इसकी थिकनेस देख लेते हम वन फीट थ्री इंचेस का मैंने ये पिक किया है एंड यहाँ पे भी बना देती हूँ फिर से जाती हूँ मैं यहाँ अब की बारी प्लेन मेरा कौन सा सेट होगा ये वाला सेट होगा ठीक है तो हम क्या करते हैं इसके लिए एक्सट्रूजन सेट, पिक प्लेन चूज दिस वन एंड देन मेक दिस जी चेक राइट अब मैंने क्या किया है मैंने इस तरीके से इसको यहां पे कंप्लीट बना दिया है एक ही जोमेट्री कन्वर्ट कर दी है अब यहाँ पे क्या किया है मैंने अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ उसके पैनल्स बना देती हूँ तो मैं पैनल्स बना देती हूँ यहाँ पे क्रिएट एक्सट्रूजन जैसे हमने डोर के पैनल बनाए थे ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे हम नाउ आई जस्ट दैट कि यहाँ पे मैंने जिस तरीके से ये पैनल बनाए हुए हैं लाइक like, मुझे इसको वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है आप चाहे तो इसको ज्यादा में भी कर सकते हैं कम में भी कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड साइज अगर आपको स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से अप्लाई करवाना है तो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से भी पिक करवा सकते हैं मैं जैसे इसको नंबर्स के बेसिस पे डिवाइड करवा रही हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने अप्लाई किया एंड देन मैंने इसको यहाँ पे बना दिया फाइव इंचेस हम पिक कर लेते हैं इसको Okay, now I just delete the middle line. Now split it and then trim it. Similarly. Split and then trim it. मॉडलिंग में थोड़ा टाइम लगता है बट बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बन के आता है चेक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप में जाके इसकी थिकनेस को सेट कर देती हूँ काफी ज्यादा ज्यादा ही है मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है तो हम पॉइंट फाइव कर देते हैं अब यहाँ पे देखते हैं तो ये यह यहाँ पे हमारा रड़ी है अब बनाना किस में है बनाना है इसमें ठीक है तो उसमें कैसे करेंगे इसमें भी हमें सिमिलर उसी तरीके से क्रिएट एक्सट्रूजन एंड देन सेट दिस पिकअप लेन सेट दिस वन एंड देन मेक नाओ मैं यहाँ पे लाइन खींचती हूं सेंटर में मुझे यहाँ पे डबल पैनल ही दिखाने का है फर्स्टली आई जस्ट हैव टू ट्रिम इट देन सेंटर लाइन नाउ ऑफसेट, अब यहां पे इनको ट्रिम कर देते हैं no. ये देखिए, ये हो गया अभी इन आउटर लाइंस को डिलीट कर देते हैं नाउ चेक चेक करने के बाद इनकी भी थिकनेस हम लोग इंचेस इंच रख देते हैं तो ये तो हमारे इधर के ये साइड वाले जितने भी कबर्स हैं, वो रेडी हो चुके हैं अभी ये सारा का सारा सिस्टम रेडी हो चुका है हमारे पास में अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे देखिए ग्लास के कॉर्नर स्टैंड्स लगे होंगे हमारे पास वेयर इज अः इस पिक्चर में तो आपको नई नजर आ रहे है मे बी इस पिक्चर में आपको नजर आए नो यहाँ पे आपके ग्लास स्टैंड्स लगे हुए हैं आप चाहे तो ग्लास के भी लगा सकते हैं आप चाहे तो वुडन के भी लगा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं राइट right. तो जैसे इसमें आपको नजर नहीं आ रहे तो आप ना, ना भी लगाना चाहे तो नहीं भी लगाएं बट ग्लास यहां पे अगर लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं डिजाइनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको वहां पे अपना एंटिक रखने हो तो उसके लिए अब ये सारा कुछ हो चुका है अब मुझे क्या करना है मैं यहाँ पे ये ये जो फ्रेम्स है वो रेडी कर देती हूँ है ना तो फ्रेम्स रेडी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा डिक्कल मैं डिक्कल के थ्रू यहाँ पे प्लेस करती हूँ राइट तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डिक्कल टाइप लिया है एंड देन इंसर्ट करवाया है एक न्यू डिक्कल यहाँ पे मैंने फोटो ली है जो भी जिस भी टाइप की फोटो मुझे लगानी है जैसे मैंने ये फोटो लगाई हुई है तो मैंने यही फोटो ले ली है यहाँ पे एंड देन ओके ओके करने के बाद मैं दूसरी टाइप और ले लेती हूँ एक और दो फोटोज हमारी लगी हुई है तो दो सीनरीज मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराई है तो जो भी सीनरी आपको लगानी है वो यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं अब दोनों सीनरी इंसर्ट होने के बाद में आपको प्लेस करना है कहाँ पे प्लेस करना है जैसे मैं कह देती हूं मुझे इधर को प्लेस करना है तो आप इधर को भी प्लेस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ये यह प्लेस हो गया राइट अभी कौन सा प्लेस हुआ है यहाँ पे डिकल टू प्लेस हुआ हुआ आई थिंक सो हम इसको कर लेते हैं रियलिस्टिक ये देखिए और आप इसको यहाँ पे जैसे नीचे मैं लेके आना चाहती हूँ मुझे इतना ज्यादा नहीं रखना है इधर को थोड़ा और कर लेते हैं इधर ये सच इस तरीके से लगे हुए ठीक है तो थोड़ा सा कम लॉक नहीं करते प्रोपोर्शन को ये देखिए ठीक है एक तो मैंने ये प्लेस किया है भाई और दूसरा मैं ये वाला प्लेस करना चाहूंगी थोड़ा ऊपर कर देते हैं या थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं ये देखिए हो गया अब क्या करना है अब मुझे इसका फ्रेम बनाना है फ्रेम बनाना तो हम फिर से चलते हैं जेनरिक ओके देन ओके एंड देन गो टू सेट द प्लेन कि मुझे बनाना कहाँ है पिक किया प्लेन को सेट कर लिया ये ठीक है एंड देन उसके बाद लेफ्ट साइड करके मैंने यहाँ पे क्रिएट किया यहां यहां। चाहिएगा तो मैं वन इंच का यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ ज्यादा का करना चाहते हैं ज्यादा का कीजिए नो no मैटर thickness ये देखिए यहां पे प्रॉपर रेडी हो चुके हैं ठीक है ठीके? अब ये वाला तो हमारा वॉल का जो वर्क था वो कंप्लीट रेडी है अभी कौन सी वॉल का रह गया है अपोजिट वॉल का वो कहाँ पे दिखा देखने को मिलेगा आपको वेट ए मिनट सी दिस वन इस तरीके का है जैसे ये यहाँ पे बैठे हैं तो इसके बिल्कुल सामने की ओर कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम है तो अगर मुझे ये यहाँ पे प्लेस करने को ये बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे अब ये सारा वर्क हो गया है तो हम एच आर कर देते हैं एच आर करने के बाद हमें काम करना है इस सामने वाली बॉल के ऊपर तो मैं इसको एच एच कर देती हूँ अब कि भाई मुझे इसकी जरूरत अभी नहीं है ओके okay. Okay. वर्क वाल करने का है, तो I think मुझे टेबल को थोड़ा रखना चाहिए था टेबल की जितनी वृद्ध का ही मैं उसको बनाने वाली थी तो एच आर करके सॉरी फॉर दिस तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको ये देखिए इस वृद्ध का ही मैं बनाना चाहती हूँ सामने की ओर रैक तो वो कैसे बनेगा वो हम लोग चलते हैं वापस गो टू जेनरिक मॉडल्स आप देखिए फर्नीचर के अंदर भी बना सकते हैं इसको फैमिलीज बना के भी सेव कर सकते हैं ताकि आप उनको बार बार रियूज कर सके अब इसमें क्या मैं जेनरिक का यूज कर रही हूँ तो आप इसी के अंदर ही आप इस फर्नीचर का यूज कर पाएंगे दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इसको उठा के लेके जाना हुआ तो नहीं हो पाएगा ठीक है फिर इस प्रोजेक्ट को ही लेके जाना पड़ेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज होती है कि हम लोग फैमिली बना के सेव करें बट यहाँ पे जैसे मुझे इसमें ही सिर्फ बनाना है फिर मुझे दूसरे में दूसरा डिजाइन बनाना है इस वजह से मैं यहाँ पे एक ही यहाँ पे यहीं पे बना के रख ठीक है? तो हम लोग ले, ले रही हूँ हम इसको हिडन लाइन कर देते हैं अब मुझे कैसा बनाना है मैं यहाँ से इसके रेफरेंस में लाइन जो है वो खींच देती हूँ और सिमिलरली इसके रेफरेंस में भी लाइन खींच देती है मेरे को वृत तो मिल गई ठीक है अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे इसकी जो यहाँ से जो हाइट है यहाँ से जो प्रॉपर जो इसकी हाइट है मैं यहाँ पे इसको सात फिट के बराबर जितनी आपकी विंडोज की हाइट है डोर की हाइट है बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रख दे रही हूँ ठीक है तो वो क्या करते हैं उतना ही मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको तो मैं नीचे से ऑफसेट लगा देती हूँ सात फिट का आप चाहे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं जैसे यहाँ से अगर आपको एग्जैक्ट इसके लेवल का ही लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं ये देखिए, ओके? अब इसको हम ट्रिम कर देते हैं ये लीजिए और इस लाइन को पिक कर लेते हैं हम लोग अगेन ट्रिम कर देते हैं, अब देखो एरिया तो हमें मिल गया ठीक है अभी एरिया मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे इसके अंदर रैक्स बनाना शुरू करते हैं रैक्स किस तरीके से बने हुए हैं यहाँ पे ये देखिए कुछ इस प्रकार से अब यहां पे मैं क्या करना चाहूंगी मैं इसके रैक्स जो है वो अपने साइज के हिसाब से बनाना चाहूंगी लाइक वन फीट नाइन इंच काफी कम है टू फीट इधर टू फीट इधर ठीक है दोनों साइड टू टू फीट का ले लिया अब इसके अंदर जो जितने भी नंबर्स में करने हैं उतने नंबर्स में आप रैक्स यहाँ पे बना सकते हैं जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बनाए हुए हैं मैं यहां पे जिस अगर हाइट मुझे कम रखनी है तो हाइट भी कम रख सकते हैं बट अभी जैसे मुझे इसके अंदर जीरो वन टू थ्री Four five. Then go to align and align these dimensions and then equate it the equilibrium constant. Select and delete it and then यहाँ पे मुझे बनाने हैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे select करती हूँ इसको and then trim it. Then मैं select करती हूँ इसको and then trim it.

1.5 इंच इस तरीके से ठीक है ओके okay. इन लाइनों को डिलीट कर देते हैं बीच में जो सेंटर में थी जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंचिस मुझे जैसे यहाँ पे ट्रिम करने का है तो मैं यहाँ पे ट्रिम कर सकती हूँ इस तरीके से हम लोग इनको ट्रिम कर लेंगे पे ये सारा कुछ होने के बाद में हम इनको उस साइड मिरर करवा लेंगे इसको भी ट्रिम कर लेते हैं जो ऊपर बच गया है हमारा इनको देन उसके बाद मैं इन सबको सेलेक्ट कर देती हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ में इनको अनसेलेक्ट करती हूँ बिकॉज इनको मुझे मिरर नहीं कराना अब यहाँ पे मिरर का चॉइस लेते हैं एंड देन इधर मैं मिरर कर देती हूँ मिरर कर दिया है तो इसके बाद मुझे आई थिंक इनको डिलीट करना चाहिए था तो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया एंड सेलेक्ट करके अगेन डिलीटेड आप चाहे तो इसको वर्ड एक्सक्न से भी कर सकते थे ऐसा कुछ नहीं है कि आप पोडन से नहीं कर सकते थे कर सकते थे तो इससे ये होता है हमारा यहां से मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा एंड देन इट एंड देन अगेन देन अगेन स्प्लिट इट लीजिए इसी तरीके से ऊपर से भी हमें सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे मैंने इसको स्प्लेट किया एंड देन ट्रेमिट अगेन मैंने यहाँ पे इसको स्प्लेट किया एंड देन ट्रेमिट एंड देन चेक चेक करके देखते हैं तो ये सारा कुछ पैटर्न हमारा बन गया है राइट right? अब ये पैटर्न बनने के बाद आप इसकी डेप्थ जो है वो सेट कर सकते हैं जैसे मुझे एक फुट तीन इंच की इसकी डेप्थ रखनी है तो एक फुट तीन इंच की इसकी डेप्थ हो गई है अब ये तो हमारा सिंपल सिंपल बन गया अब मुझे इसके अंदर जो रैक्स हैं वो इस तरीके के स्टैंड्स और क्रिएट करना है लाइक like दिस आप इनके जो स्टैंड्स है वो भी क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए पहले तो मैं इस टेबल को अचेच कर देती हूँ फिनिश करके एक बार इसको और फिर उसके बाद उसका राइट right व्यू लेती हूँ एंड देन अगेन इस एक्सट्रूजन में जाती हूँ आप चाहे तो इसी में बना सकते हैं अलग भी बना सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू पे मैं क्रिएट में चली गई एंड देन मैंने इसके बाद यहाँ पे क्रिएट किया यहाँ पे जो स्टैंड लगे हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं मतलब इनके सेंटर से लगभग इनके सेंटर से राइट तो इनके सेंटर्स से आप बना सकते हैं लाइक like, किस तरीके से बताएं यहां से मैंने थ्री इंच आगे की ओर किया हल्का सा इसको टेढ़ा किया एंड मैंने यहाँ पे इसको आगे की ओर एक स्टैंड किया जितना भी लंबा आप इसको रखना चाहते हैं मैंने इसकी जो थिकनेस है पॉइंट सेवन फाइव इंच की रख दी है आप चाहे तो इसके जितनी भी रख सकते हैं right? जितनी जो भी आप अगर थिकनेस रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं इसका वन पॉइंट फाइव की थी तो यहाँ पे इतनी रखना चाहते इतनी वैसे ही इनकी कम है तो आप कम भी रख सकते हैं तो मैंने इसको क्या किया है मैंने इसको यहाँ पे बना के और इसको क्लोज कर दिया ये बना ये बनने के बाद मैंने इसको कॉपी कराया ये मैंने सेंटर पे कॉपी कराया ठीक है और इसी तरीके से फिर मैं इसको भी यहां से कॉपी करा देती हूं इन सबको मैंने मिरर करवा देती देते सेंटर से कंट्रोल जेड मिरर, ये लीजिए मिरर होने के बाद में हम इनको सेलेक्ट करते हैं सबको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि थिकनेस तो सब की बदलनी है जो डेप्थ है वो और यहाँ पे वन फीट थ्री इंच मैंने चेक किया चेक करने के बाद देखते हैं तो ये प्रॉपर है आपका ठीक है ये बनने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट हमारा एक तरीके से बन गया है पूरा कंप्लीट हमारा यहाँ पे रेडी है ये ठीक है तो हमें क्या करने का है यहाँ पे अभी हमें टेक्सचर अप्लाई करना है तो मैंने क्या किया है यहाँ इसको रियलिस्टिक कर देते हैं देन एचआर कर देते हैं अब देखिए यहाँ पे अब सबको मटेरियल अप्लाई करना है तो सबको मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे पहले तो इसको सेलेक्ट करके एडिट करते हैं ठीक है सॉरी पहले इसको हम एच एच ही रखते हैं बिकॉज इसमें ना फिर कलर वगैरह नहीं होगा टेबल पे तो आपका मटेरियल ऑलरेडी लॉग इंड है यहाँ पे इसको किया देन उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं इन प्लेस इसको सेलेक्ट करते हैं हमारे यहाँ पे हम मटेरियल देते हैं ये रहा मटेरियल इधर मटेरियल देने के बाद मेरे पास में यहाँ पे वुडन है तो हम यहाँ पे वुडन चूज कर लेते हैं ये देखिए वुडन यहां पे मुझे व्हाइट माइका लगाना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया सबको देन उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया है गो टू मटीरियल एंड देन यहाँ पे मैंने व्हाइट माइका चूज किया एंड देन अप्लाई किया हो okay? गया? इसका सारा कार्यक्रम हो चुका है अब इसको मैंने चेक कर दिया अब मुझे यहाँ पे एच आर करना है एच आर करने पे पता चलेगा कि इधर भी मेरे यहाँ पे रैक्स है और यहाँ पे इन रैक्स के ऊपर अलग अलग मटेरियल अप्लाई है देखो यहाँ पे ये यह अलग तरीके का टेक्सचर है तो ये वुडन हम बना लेते हैं हमारे पास में नहीं है तो हम बना लेते हैं एच एच किया इसको भी एच एच किया अब देखते हैं इनको ये यह देखो यहाँ पे चलते हैं पहले तो इस पे सेलेक्ट करते हैं और इस अंदर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसमें तो वही वाला वुडन है जो हमारा डार्क वुडन है वही तो वुडन चूज किया ओके कर दिया यहाँ पे अप्लाई भी हो गया इसी तरीके से अगर मैं इनको चूज करती तो यहाँ पे वो लाइट वाला वुडन है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे दूसरा वुडन बना देते हैं ठीक है नाम रख देते हैं इसका वुडन टू ओके एंड देन क्रिएट क्रिएट में चलते हैं तो यहाँ पे असेट्स में से मैं उठा लेती हूँ कोई अच्छा सा वुडन का पैटर्न लाइक दिस मैं ये वाला पैटर्न जो है वो पिक कर रही हूँ okay. दूसरा को हो तो दूसरा भी पिक कर सकते हैं हम लोग जस्ट वॉन्ट टू आई जस्ट वॉन्ट टू पिक दिस वन ओके okay. मैंने ये वाला पिक किया है रेंडर एज अपेरेंस करके ओके okay कर दिया ठीक है और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया इधर इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी मैं वुडन टू ही अप्लाई करती हूँ वुडन टू एंड ओके एंड क्लिक फिनिश अब ये हो गया फिनिश अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं देखो इसमें क्या करना है एडिट इन प्लेस पीछे वाले भी तो हमें वही वही सेम अप्लाई करना है जो हमारा वुडन था वही और इसमें हमें सेम इसकी तरह वुडन टू वुडन टू ओके हो गया अब यहां पे क्या करते हैं देखो यहां पे इसको फिनिश किया अब वो, ये जो ये वुडन है थोड़ा अलग हमारा इससे अलग ही निकल के आ रहा है तो हम इसका भी वुडन ही बदल देते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वुडन टू आई जस्ट कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट एंड हियर आल्सो ओके ये देखिए हो गया प्रॉपर उसी तरीके का नाव यहाँ पे भी हमारा डोर भी आता है तो डोर पे भी वैसा ही करते हैं तो डोर पे पैनल पे तो मैं वुडन टू ही करना चाहूंगी डोर का जो पैनल है उस पर तो वुडन टू ही करना चाहूंगी और इस पे मैं वुडन करना चाहूंगी ओके ये देखिए हो गया अप्लाई तो ये आपका प्रॉपर हो गया है सब कुछ सारा काम होने के बाद अब इसका पीछे का हमारा बचता है कि इसमें पीछे हम किस तरीके से टेक्सचर अप्लाई करवाएं तो हम चलते हैं मैनेज में मटेरियल मटेरियल में जाने के बाद में हमारे पास में एक और हम क्रिएट कर लेते हैं वॉल के लिए मटेरियल अच्छा सा तो यहाँ पे चेक कर देती हूँ मैं, देन चेक इट एंड देन मैं यहां पे एक तो इमेज के थ्रू बनाती हूं इमेज मैं इस वॉलपेपर के थ्रू बना रही हूं इस वॉलपेपर के थ्रू बनाया मैंने आप कोई भी अच्छा सा वॉलपेपर यहाँ पे चूज कर सकते हैं एज पर यूर नीड मैं इस वाले वॉलपेपर को चूज कर रही हूं एंड देन पंप्स के अंदर भी मैं सेम वॉलपेपर का यूज करती हूँ एंड देन अप्लाई इट एंड देन गो टू पेंट दिस वन मटेरियल ये देखिए ओके आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं एज पर योर नीड अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो साइज भी बड़ा कर सकते हैं जैसे मुझे ये थोड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नजर आ रहे हैं थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको तो साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एक फिट का है ये। तो I think मुझे feet and then feet. Okay. Bump. दोनों का आप अलग अलग मत रखिएगा साइज अदरवाइज यहाँ पे कुछ और ही मटेरियल बन दिया जाएगा 2.5 फीट एंड देन 2.5 फीट एंड देन एंड देन ये देखिए ओके तो ये प्रॉपर सा मटेरियल आपका बन के आया है अब ये सब कुछ होने के बाद में हमने क्या किया आ, हम वॉल के लिए भी मटेरियल बना लेते हैं वॉल के लिए मटेरियल मैं कुछ अलग शेड का बनाना चाहती हूँ तो मैं कलर के थ्रू ही बनाऊंगी इसको लाइक दिस वन कलर है थोड़ा डार्क शेड का बना देते हैं हम ओके okay, हो सकता है तो हम हम ग्रे कलर का भी बना सकते हैं जैसे आपकी नीड हो उस हिसाब से बट मैं थोड़ा इस तरीके का बनाना चाहूंगी तो मैंने थोड़ा डार्क लिया ये एंड ओके एंड अप्लाई एंड ओके एंड देन उसके बाद मैंने इसको प्लेस किया गो टू दिस वन पेंट एंड देन डिफॉल्ट मटेरियल नंबर टू और मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई करवाया ये देखिए ठीक है ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करवाया ओके अब अब ये अप्लाई करवाने के बाद में बचती कौन सी वॉल है हमारी यही वाली अपोजिट वॉल वॉल एच एच आर आर करने के बाद पे हमारी एक और बचती है तो हम फिर से पेंट ले, ले लेते हैं और उसके ऊपर भी अप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया ये देखो इंटीरियर में हर एक चीज मैंने यहाँ पे सेट कर दी है ठीक है एग्जैक्ट वैसा का वैसा मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया अब मुझे यहाँ पे फ्लोरिंग भी अप्लाई करनी है तो फ्लोरिंग के लिए फ्लोर पे चले जाओ एड इट एंड देन यहाँ पे मटीरियल मटीरियल में फ्लोर के लिए भी मैं बनाना चाहूंगी तो मैं असेट्स के थ्रू इसको पिक करूंगी मेरे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी टाइल्स है तो उन टाइल्स का यूज करेंगे हम जस्ट वॉन्ट टू पिक दिस वन दिस वन आप चाहे तो इनका साइज बदल सकते हैं बट अभी अप्लाई करके देख लेते हैं क्या साइज़ है है इनका। If proper लगता है, तो आप इन्हीं को चूज़ कर लीजिएगा ये देखिए, है ना? तो काफी अच्छा यहाँ पे ये यह लुक जो है वो आपका बन के आया है फिर उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे जो भी चीजें प्लेस करनी है जैसे मेरा एक हैंडल रह गया है इसके हैंडल मुझे प्लेस करना है तो हैंडल लगाने के लिए आपको हैंडल बनाना पड़ेगा देखिए अग, अगर हैंडल है तो वेल एंड गुड है नहीं है तो फैमिली में चलिए और हैंडल बना लीजिए हैंडल बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फेस बेस्ड जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड फेस बीस्ट में जाने के बाद में मैं यहाँ पे अपने एलिवेशन व्यूज के अंदर आ जाती हूँ और मुझे यहाँ एक्सट्रूजन के जरिए हैंडल बनाना है लोड टू द प्रोजेक्ट करवा देते हैं ये देखिए आप चाहे तो इसका साइज थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से राउंड बनाना चाहते हैं तो राउंड बना सकते हैं जैसा भी आपको सुटेबल लगे ओके okay. इसके आप हैंडल दोबारा दूसरे फैमिली के अंदर बना सकते हैं दूसरा जैसे अगर मुझे इसको भी मैंने दस इधर किया है इसको भी दस ही इधर कर देते हैं देन उसके बाद मैं आर्क का यूज कर लेती हूं देन उसके बाद मैं ऑफसेट का यूज कर लेती हूँ लाइन को डिलीट कर देते हैं एंड देन लोड करवा देते हैं लोड इनटू द प्रोजेक्ट एंड देन ओवर कर देते हैं थोड़े लार्ज लार्ज हो जाएंगे ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं फिर उसके बाद में अब आपको बनाना है सिलिंग का डिजाइन तो सिलिंग के लिए आपको लेवल नंबर वन पे जाना पड़ेगा लेवल नंबर वन पे सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो हमारी नॉर्मल सेलिंग होती है ऑटोमेटिक सेलिंग मैं वही डालूंगी उसका हाइट मैं कर देती फीट okay. तो मेरी यहाँ पे हो गई है अप्लाई देन उसके बाद में अगेन मैं सेलिंग पे चलती हूँ और अब की बड़ी जो सीलिंग हमारी होती है नाइन फीट के ऊपर अप्लाई एंड अब की बड़ी मैं स्केच सेलिंग कर रही हूँ स्केच सेलिंग के अंदर मैं ऑफसेट का यूज करते हुए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वन वन फीट का गैप वन वन फीट तो काफी छोटा हो जाएगा तो टू फीट का लेके देख लेते हैं Now, trim it, check, save the project. लिंग्स को सेट कर लेते हैं यहां पे ये लीजिए इसमें मुझे वुडन अप्लाई करना है देन उसके बाद इसमें मुझे वाइट अप्लाई करना है ये देखिए ये यहाँ पे अप्लाई हो गया राइट तो सारा कुछ एग्जैक्ट उसके जैसा ही हम लोगों ने डिजाइन कर दिया है सब कुछ एग्जैक्ट उसी तरीके से हमारा हो गया है इसमें डिजाइन अब मुझे लाइट्स वगैरह प्लेस करनी तो लाइट्स वगैरह प्लेस कर लेते हैं तो हम लाइट को लोड करवा लेते हैं इंसर्ट लोड फैमिली रिसेस्ट ओपन एंड देन गो टू सीलिंग लेवल वन और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं नाउ अब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं चलते हैं थ्री में इसमें मैं सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूं ये लीजिए एच आर थ्री डी इस तरीके से आपका अप्लाई हो गया राइट right. अब ये सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ मैंने प्लेस कर दिया है अब हमें क्या करना है हमें रेंडर करना है तो रेंडर किस तरीके से होगा चलिए हम लोग रेंडरिंग कर लेते हैं अभी इसमें व्यूज सेट होते हैं कैमरा के प्लेसमेंट के थ्रू तो जिस भी लेवल पे आपको कैमरा व्यू लेना है आप उसी लेवल के ऊपर अपना कैमरा व्यू सेट कर लीजिए सॉरी गो टू कैमरा एंड सेट दिस व्यू जहां से भी जिस भी कॉर्नर से आपको लेना है मुझे इस कॉर्नर का लेना है थोड़ा कम वो कर लेते हैं तब देखते हैं तो इस तरीके का व्यू आपका आ जाएगा अब हम इसको रेंडर कर सकते हैं रेंडर करने के लिए करना है सेट तो आप यहाँ पे करके और इसको रेंडर कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे डे टाइमिंग में करवा रही हूँ आप इवनिंग टाइम में इवनिंग टाइम में करवा सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे सुटेबल लगे आप जैसे लाइट के बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके आर्टिफिशियल लाइट्स के बेसिस पे हो जाएगा देन उसके बाद आप इनको रेंडर कराना शुरू करेंगे मैंने रेंडरिंग पे क्लिक कर दिया है अभी थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं रेंडरिंग के लिए आप एनस्केप वीरे इन सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये प्लगइन्स होते हैं इनका यूज कर सकते हैं जिनके थ्रू आप अपनी रेंडरिंग को की क्वालिटी जो होती है उसको बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं सो so, uh, इसके थ्रू uh, जैसे आप ऑनलाइन रेंडरिंग भी कर सकते हैं रेविट के अंदर ऑफलाइन तो जैसे अभी मैंने स्टार्ट कर रखी है और एनस्केप के थ्रू भी रेंडरिंग हो सकती है वीरे के थ्रू भी तो फर्दर जितनी भी डिटेल्स प्लगइन्स uh, होते हैं रेंडरिंग के उसके लिए अगर आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे आ, आ, हमारी और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो यहाँ पे देखिए आपको रेंडरिंग जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी थोड़ा टाइम लेगा ये रेंडर होने में ये देखिए कुछ इस तरीके का जो टेक्सचर इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है so, आ, यहां पे जो जो ये elements है, ये है आप इसकी लाइब्रेरी से भी भी कर सकते हैं Otherwise, जो हमारा उसकी लाइब्रेरी में भी होते हैं हमारा उसकी में होते तो आप जो भी यहाँ पे कॉम्पोनेट प्लेस करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं कुछ इस तरीके का जो टेक्स्टरिक व्यू है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा I hope you all understand this, uh, all this topic. So, thank you so much, guys. Bye bye.